गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे और एक मैं आपको होमवर्क दूंगी इसी पैटर्न पर, आप उसको कंप्लीट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 12 आपकी मैथ्स बुक का। 20 फिशर वीमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 फिशर वीमेन ने अपना एक बैंक बनाया। बैंक में क्या होता है, पैसा। तो वो लोग क्या करते हैं, ईच सेव्स, उनमें से हर एक 20 फिशर वूमेन ने सारी की सारी हर एक उसमें से हर महीने सेव्स ₹25 एवरी मंथ, हर महीने 25-25 रुपये वो लोग उसमें बचाती हैं, सेव करती हैं एंड पुट इट इन द बैंक और बैंक में डालती हैं। कितनी फिशर वूमेन है, 20, और हर महीने कितने पैसे बचा रहा है हर एक, ₹25, और किस में डाल रही है, बैंक में। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। हर महीने वो जो फिशर वूमेन है वो कितना पैसा कलेक्ट करती हैं। हमें पता है कि कितने फिशर वूमेन है, टोटल नंबर ऑफ फिशर वूमेन कितनी है, 20, और हर महीने एक जो वुमेन है वो कितना सेव कर रही है, 25। हर महीने कितना सेव कर रही है, ₹25। तो पूरी फिशर वूमेन, पूरा ग्रुप जो है, पूरे ग्रुप में कितने हैं, 20, तो वो पूरे 20 एक महीने में कितना सेव करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाई 20। 25 रुपये एक कर रहा है तो 20 कितना करेगा, 25 20 बार 25 20 टाइम्स, तो 25 20 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके खुद देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बी, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब ये तो एक महीने में उस ग्रुप ने कितना पैसा कलेक्ट किया, 500। अब वो 10 सालों में कितना कलेक्ट कर पाएंगे, तो 10 सालों का निकालने से पहले हमें कितने साल का निकालना पड़ेगा, एक साल का, तभी हम 10 साल का निकाल पाएंगे। एक महीने का हमें पता है, अब हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मंथ्स इन वन ईयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स इन वन ईयर 12। तो हम एक महीने का हमें पता है, हम 12 महीने का निकालेंगे। मनी कलेक्टेड इन 12 मंथ्स, एक महीने में 500, तो 12 महीने में 500 मल्टीप्लाइड बाई 12। 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल का आ जाएगा। जब हमें पता लग गया कि एक साल में जितना भी पैसा कलेक्ट होता है वो आ जाएगा, तो हम देखेंगे 10 साल में कितना होगा। तो एक साल को में जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ईयर्स से। हम 10 ईयर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को कम से कम 5 टाइम्स पढ़िएगा, समझिएगा, मेरी ऑडियो सुनिएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000। ग्रेसी ने एक लोन लिया कितने रुपीज़ का, 4,000 रुपीज़ का, टू बाय अ नेट। क्या खरीदने के लिए, एक नेट खरीदने के लिए। फिशर वूमेन है ये, तो फिशर वूमेन है तो उसको नेट चाहिए मछली पकड़ने के लिए, तो उसने 4,000 रुपीज़ का नेट खरीदा। शी पेड बैक, उसने वापस किया पैसा। लोन क्या होता है, लोन उधार होता है, वो उधार जो हम बैंक से लेते हैं। हम बैंक से कुछ पैसा लेते हैं और जो हम पैसा लेते हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें देना होता है, उसे इंटरेस्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं। तो उसने जो उधार लिया पैसा, उसने वो लोन लिया। अब शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ। अब जो पैसा हम बैंक से लेते हैं उसे लेके बैठ तो नहीं सकते, उसको हमें वापस भी करना होता है, तो धीरे धीरे करके हम बैंक को वापस करते हैं। तो उसने क्या किया, 4,000 रुपीज़ लिए और उसने धीरे धीरे हर महीने 345 उसने एक साल तक पैसा वापस करा। कितना, 345 हर महीने, कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक, उसने कितना पैसा वापस किया। तो हम क्या करेंगे, 345 एक महीने में किया, तो वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। 345 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा उसने कितना पैसा वापस किया। मनी पेड इन वन मंथ 345, मनी पेड इन 12 मंथ्स, क्योंकि वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, तो हम 12 मंथ्स का निकालेंगे, तो 345 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर पता करेंगे, ठीक है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, झांसी और
एंड हर सिस्टर टुक अ लोन, उन्होंने भी लोन लिया, कितना रुपीज़, 21,000 रुपीज़ का उसने, उन दोनों ने लोन लिया टू बाय अ लॉग बोट, एक बोट खरीदने के लिए. दे पेड बैक अ टोटल ऑफ रुपीज़ 23,520. उन्होंने 21,000 लिया था और उसमें से जब उन्होंने बैंक को वापस किया, हम मैंने बताया था ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वापस करना पड़ता है, तो उन्होंने कितना वापस किया, 23,520 रुपीज़ इन वन ईयर, एक साल में उन्होंने वापस कर दिया. हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो उन्होंने हर महीने कितना कितना पैसा दिया होगा बैंक को. टोटल हमें पता है कितना दिया, टोटल कितना दिया, 23,520 रुपीज़. कितने दिन तक देते रहे वो, हर महीने, हर महीने एक साल में दिया मतलब कितने महीने तक दिया, 12 महीने तक. ये भी यूनिटरी मेथड हो गया आपका. 12 महीने में दिया रुपीज़ 23,520 रुपीज़, तो एक महीने में कितना देंगे, जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एक महीने का पता लगाना है, 12 मंथ्स का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हम 23,520 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया. ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिए हैं इसमें.